फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई राज्यों के बारे में वीडियो बना दिए हैं। आप हमारे चैनल पर भारत दर्शन श्रृंखला की प्ले लिस्ट में जाकर अन्य राज्यों को भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक छत्तीसगढ़ को। सबसे पहले हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारियों के बारे में और छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन काल से ही चलते हैं कि प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है भारत के अंतर्गत, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, उस क्षेत्र को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। छठी और बारहवीं शताब्दियों के बीच सर्वपुरिया पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी, नागवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर सन 980 से लेकर 1791 ईस्वी तक शासन किया। यहीं पे ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए कि छत्तीसगढ़ पर सबसे ज़्यादा जो शासन है वो किस वंश के शासकों ने किया था। तो आपको याद रखना है कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर सबसे ज़्यादा शासन किया था, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि सन 1854 में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासनकाल में राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर का महत्व बढ़ गया, ठीक है, एक बात याद रखना है कि ब्रिटिश शासनकाल से पहले यहाँ पे जो महत्व वाला जो शहर था वो रतनगढ़ था, लेकिन ब्रिटिशों के शासन के बाद में 1854 ईस्वी में ब्रिटिशों का शासन हो गया छत्तीसगढ़ पर। अब यहाँ पर क्या है कि रतनगढ़ के बजाय जो रायपुर हमारी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, नया रायपुर रायपुर है, इस रायपुर का क्या बढ़ गया था, महत्व बढ़ गया था, यहाँ पे ही सारे क्रियाकलाप होने लगे थे। सन 1904 में संबलपुर उड़ीसा में चला गया था जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, और सरगुजा रियासत जो बंगाल में थी वो छत्तीसगढ़ के पास आ गई थी सन 1904 में। एक बात याद रखनी है, संबलपुर खा गया उड़ीसा में और जो सरगुजा रियासत थी पश्चिम बंगाल की वो किसके पास आ गई थी, छत्तीसगढ़ के पास आ गई थी। छत्तीसगढ़ में पहले राजनीतिक संगठन को आरंभ करने का श्रेय शंकर गुही नियोगी को है, जिन्हें छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी जिन्होंने, तथा छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की परिकल्पना का श्रेय राज्यसभा के कांग्रेस सदस्य डॉक्टर खूबीचंद बघेल को है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की थी, शंकर गुही नियोगी ने की थी। और एक बात याद रखना कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की जो परिकल्पना है इसका श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर खूबीचंद बघेल को जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, याद रखना है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारतीय संघ का 26वां राज्य बना, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था, मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था सन 2000 ईस्वी से पहले, ठीक है। तो 1 नवंबर इसका क्या है, स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ का, और 2000 ईस्वी में इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व में दक्षिणी झारखंड की सीमा लगती है और उड़ीसा की सीमा लगती है, पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा और महाराष्ट्र की सीमा लगती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी झारखंड की सीमा लगती है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, किससे, छत्तीसगढ़ से। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 1, 2, 3 हमारा, यानी पहला राज्य झारखंड, उड़ीसा 2, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 4, उत्तर प्रदेश 5, झारखंड पहले हो गया और 1, 6, यानी कुल मिला के बात हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बात याद रखनी है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से देश का क्या है, 9वां बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्या है, 17वां स्थान है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना के बारे में कि अभी बताया कि छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, इसकी राजधानी नया रायपुर है, पहले रायपुर थी, अब एक नया रायपुर इसकी राजधानी हो गई है, रायपुर है वो विकसित रायपुर है, ठीक है। यहाँ पे जिलों की संख्या वर्तमान में 33 हो गई है, विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं और राज्यसभा सीटें 5 हैं छत्तीसगढ़ में। बात करें छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है,
रात के पुष्प राइनो कोस्टाइलिस गेंगेटिया है और राज के पेड़ साल है। और छत्तीसगढ़ के उपनाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और दक्षिण कौशल के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। एक बात याद रखनी है, कई बार पूछ लेता कि किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो भारत के जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है बेलाडीला, जो किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है कि कच्चे टिन, यानी कच्चा टिन है, इसका उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो याद रखना एकमात्र राज्य है वो राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1955 में स्थापित भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बाल्को के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है। तो ये कोरबा में अवस्थित है और जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, यानी ये क्या है कि प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जिसका नाम है इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखना है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, और छत्तीसगढ़ में भी किस स्थान पर, खैरागढ़ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, टाइगर रिजर्व भी है ये और ये इंद्रावती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंगनपुर गुफाएं, कैलाश गुफाएं, कुडम्बसर गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य गीत कौन सा है, जिसे लोक वैलय के नाम से जाना जाता है। तो वो लोक नृत्य है हमारा पंडवानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तीजन बाई, ये पंडवानी नृत्य की कलाकार है, पंडवानी नृत्य से इनका संबंध है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कांगेर घाट ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अचानक मार अभ्यारण्य, ये भी खूब पूछा जाता है, एसएससी रेलवे इसको खूब उठा उठा के रखता है इस क्वेश्चन को। अचानक मार अभ्यारण्य, एक है उदंती अभ्यारण्य, ये किस राज्य में अवस्थित है। तो दोनों की दोनों जो अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला भूगर्भीय ताप जल विद्युत संयंत्र, इंपॉर्टेंट है ये, भारत का पहला भूगर्भीय ताप जल विद्युत संयंत्र है और ये कहाँ स्थापित किया गया था। याद रखना तातापानी छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ये भी खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में धान के जर्म प्लाज्म का सर्वाधिक भंडार है। तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो इसका सही आंसर है चावल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का उच्चतम बिंदु कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आकाश नागर छत्तीसगढ़ की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो याद रखना संवेदना, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम है संवेदना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है। तो करुणा नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना श्री दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के से जो कर्क रेखा है वो ऊपरी भाग से गुजरती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि छत्तीसगढ़ में के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है? तो इसका सही आंसर है साल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये भी, रायगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है बिंबाजी भोंसले, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट है, महाकांतार का शासक था जो छत्तीसगढ़ में आता है, और ये व्याघ्र राज यहाँ के राजा का नाम था, और इसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त के कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सी दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? तो याद रखना महापाषाणीय संस्कृति के अवशेष छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो याद रखना जिसका नाम है कैप्टन एडमंड, ये छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो इसका सही आंसर है वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र सहाय को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसकी आकृति है समुद्री घोड़े के समान, जिसे दरियाई घोड़े के नाम से भी जाना जाता है कि दरियाई घोड़े के समान, या हम कह सकते हैं समुद्री घोड़े के समान छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है? आकृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर जिसको पाइथन रेटिकुलेटस भी कहते हैं किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना है बिलासपुर में पाया जाता है, और बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो देश का 19वां उच्च न्यायालय भी है, ये बात याद रखना है, बिलासपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के इंपॉर्टेंट एवं मोस्ट क्वेश्चंस, जो आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।